गाइस, अगर आप अपने लैपटॉप या पीसी में एंड्रॉइड एप्स एंड गेम्स को रन करना चाहते हैं तो ब्लूस्टैक सिमुलेटर आपके लिए एक बेस्ट ऑप्शन है। आप स्मूथली एंड्रॉइड एप्स को अपने पीसी पर चला सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप अपने लैपटॉप या पीसी पर ब्लूस्टैक सिमुलेटर को डाउनलोड एंड इंस्टॉल कर सकते हैं। ब्लूस्टैक सिमुलेटर की परफेक्ट इंस्टॉलेशन प्रोसेस मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूँ, और साथ में मैं आपको कुछ ऐसी सेटिंग्स भी बताऊंगा जिन्हें अप्लाई करने से लो कॉन्फ़िगरेशन वाले पीसी पर भी एमुलेटर बहुत ही अच्छे से चलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। गाइस, यहाँ पर मैं विंडोज 11 में ब्लूस्टैक एमुलेटर को इंस्टॉल करके दिखाने वाला हूँ। लेकिन आपके पास चाहे कोई भी विंडोज हो, विंडोज 7, विंडोज 10 या फिर विंडोज 11, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। बस आपको प्रोसेस को स्टेप बाय स्टेप फॉलो करते जाना है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, सिंपली किसी भी ब्राउजर को ओपन करना है। ब्राउजर पर आने के बाद आपको यहाँ पर सर्च करना है ब्लूस्टैक्स, बस इतना ही कर देना है। अब आपको इस वेबसाइट को ओपन करना है ब्लूस्टैक्स.com। वेबसाइट का इंटरफेस कुछ इस तरह का है, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। आपको सी ऑल वर्जन्स पर क्लिक करना है। यहाँ पर गाइस आपको ब्लूस्टैक्स के सारे वर्जन देखने को मिल जाएंगे। आप किसी भी वर्जन को डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पर हम लेटेस्ट वर्जन को डाउनलोड करेंगे, ब्लूस्टैक्स 10, इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो ब्लूस्टैक्स की सेटअप फाइल डाउनलोड हो जाएगी। ब्लूस्टैक सिमुलेटर को अपने पीसी पर इंस्टॉल करने के लिए आपको इसकी सेटअप फाइल पर राइट क्लिक करना है और रन एज एडमिनिस्ट्रेटर पर क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सिस्टम की चेकिंग होगी और आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस ओपन हो जाएगा। गाइस, आपको इसे डायरेक्टली इंस्टॉल नहीं करना है, पहले आपको कस्टमाइज इंस्टॉलेशन पर क्लिक करना है, देन आपको चेंज फोल्डर पर क्लिक करना है। और यहाँ पर आपको इसे सी ड्राइव में इंस्टॉल नहीं करना है क्योंकि सी ड्राइव में ऑलरेडी विंडोज इंस्टॉल रहता है। तो अगर आप इसे किसी दूसरे पार्टीशन में इंस्टॉल करेंगे तो आपको अच्छी परफॉर्मेंस देखने को मिलेगी। तो यहाँ पर मैं इसे डी ड्राइव में इंस्टॉल कर लेता हूँ। अब आपको बैक आ जाना है और इंस्टॉल नाउ पर क्लिक करना है। यहाँ पर यह डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगा। इसमें कितना टाइम लगेगा ये डिपेंड करता है आपकी इंटरनेट स्पीड के ऊपर। अगर अच्छी खासी इंटरनेट स्पीड है तो जल्दी से डाउनलोड हो जाएगा। आपको डाउनलोड कम्प्लीट होने तक वेट करना है। डाउनलोड कंप्लीट होने के बाद आपके सिस्टम में ये ऑटोमेटिक इंस्टॉल हो जाएगा, तो आपको इसे इंस्टॉल कर लेना है। इंस्टॉल कंप्लीट होने के बाद आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं ब्लूस्टैक्स के दो वर्जन यहाँ पर इंस्टॉल हो चुके हैं, ब्लूस्टैक्स 5 और ब्लूस्टैक्स 10। आप इनमें से किसी भी वर्जन का यूज कर सकते हैं। आपको ब्लूस्टैक्स 5 को ओपन करना है। जैसे आप इसे ओपन करेंगे तो यहाँ पर आपको कंपेटेबिलिटी एरर दिखाई देगा। इस प्रॉब्लम को आप कैसे फिक्स कर सकते हैं, चलिए मैं आपको बताता हूँ। तो इसे आपको क्लोज करना है। इस एरर को फिक्स करने के लिए आपको अपने पीसी में 2-3 सेटिंग्स करनी है। इसके लिए आपको स्टार्ट बटन पर क्लिक करना है और यहाँ पर आपको सर्च करना है टर्न विंडोज फीचर्स ऑन और ऑफ, इसे आपको ओपन करना है। यहाँ पर आपके सामने कुछ विंडोज के फीचर्स आ जाएंगे, आपको स्क्रॉल डाउन करना है। यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा वर्चुअल मशीन प्लेटफॉर्म, इसे आपको चेकमार्क करना है। इसके नीचे यहाँ पर आपको एक और ऑप्शन मिलेगा विंडोज हाइपरविजर प्लेटफॉर्म, इसे भी आपको चेकमार्क करना है। एंड देन यहाँ पर आपको एक और ऑप्शन मिलेगा विंडोज सबसिस्टम फॉर लिनक्स, इसे भी आपको चेकमार्क करना है। देन आपको ओके पर क्लिक करना है। कुछ इस तरह से ये सर्चिंग होगी और आपके सिस्टम में ये सेटिंग्स अप्लाई हो जाएगी। यहाँ पर गाइस आपको क्या करना है, एक बार आपको अपने पीसी को रिस्टार्ट करना है। तो मैं रिस्टार्ट कर लेता हूँ। अपने पीसी को रिस्टार्ट करने के बाद आपको ब्लूस्टैक्स 5 पर राइट क्लिक करना है और प्रॉपर्टीज को ओपन करना है। प्रॉपर्टीज में आपको कंपेटेबिलिटी का ऑप्शन मिलेगा, इसमें आपको जाना है। यहाँ पर आपको कंपेटेबिलिटी मोड को इनेबल करना है एंड इसमें आपको विंडोज 8 सेलेक्ट करना है। यहाँ पर आपको एक और ऑप्शन मिलेगा रन दिस प्रोग्राम एज एन एडमिनिस्ट्रेटर, इसे आपको इनेबल करना है एंड अप्लाई करके ओके कर देना है। ये सब सेटिंग्स करने के बाद आपको ब्लूस्टैक्स 5 को फिर से ओपन करना है। एंड यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं हमारा एमुलेटर सक्सेसफुली ओपन हो रहा है एंड हमें किसी भी तरह का एरर शो नहीं हुआ है। अपने पीसी में एंड्रॉइड एप्स एंड गेम्स को इंस्टॉल करने के लिए आपको सिस्टम एप्स पर क्लिक करना है और प्ले स्टोर को ओपन करना है। सबसे पहले आपको इसमें साइन इन करना है, तो साइन इन पर आपको क्लिक करना है। यहाँ पर आपको अपनी ईमेल आईडी एंटर करनी है। ईमेल एंटर करने के बाद आपको नेक्स्ट पर क्लिक करना है एंड यहाँ पर आपको अपना पासवर्ड एंटर करना है। पासवर्ड एंटर करने के बाद आपको नेक्स्ट पर क्लिक करना है। तो इस तरह से आप प्ले स्टोर में लॉग इन कर सकते हैं
एंड यहाँ से अब आप किसी भी एप्लीकेशन को अपने सिस्टम में इंस्टॉल इजीली कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पर टेलीग्राम कर लेता हूँ। इंस्टॉल करने के लिए आपको इंस्टॉल पर क्लिक करना है और ये एप्लीकेशन आपके सिस्टम में इंस्टॉल हो जाएगी। इंस्टॉल कंप्लीट होने के बाद ये एप्लीकेशन आपके डेस्कटॉप पर ऐड हो जाएगी एंड ये आपको ब्लूस्टैक्स के होम पेज पर भी देखने को मिल जाएगी। आप इसे इजीली ओपन कर सकते हैं एंड यूज भी कर सकते हैं और ये उसी तरह से ओपन होगी जैसे आपके मोबाइल में होती है। सो गाइस, आप एंड्रॉइड एप्स एंड गेम्स को तो इजीली अपने सिस्टम में इंस्टॉल कर सकते हैं। चलिए मैं आपको कुछ ऐसी सेटिंग्स बताता हूँ जिससे आपका ब्लूस्टैक्स एमुलेटर बहुत ही अच्छे से चलेगा और आपको काफी अच्छी स्पीड देखने को मिलेगी। तो इसके लिए आपको 3 लाइन पर क्लिक करना है और सेटिंग्स को ओपन करना है। यहाँ पर गाइज आपको जो सेटिंग करनी है वो परफॉर्मेंस के अंदर करनी है क्योंकि हमें अच्छी परफॉर्मेंस चाहिए। लेकिन उससे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि आपके पीसी में कौन सा प्रोसेसर है, कितने कोर का प्रोसेसर है एंड आपके सिस्टम में रैम कितनी है एंड ओवरऑल आपका सिस्टम किस तरह का है। तो इसके लिए गाइज आपको क्या करना है, सिंपली स्टार्ट बटन पर क्लिक करना है और यहाँ पर आपको सर्च करना है सिस्टम इन्फॉर्मेशन, इसे आपको ओपन करना है। यहाँ पर गाइज आप अपने सिस्टम की पूरी इन्फॉर्मेशन देख सकते हैं। यहाँ पर गाइज आपको ये चेक करना है कि आपका प्रोसेसर कितने कोर का है। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं मेरा प्रोसेसर 6 कोर का है एंड इसमें ग्राफिक कार्ड भी लगा हुआ है। इसके बाद आपको ये चेक करना है कि आपके सिस्टम में रैम कितनी लगी हुई है। तो यहाँ पर आपको चेक करना है इंस्टॉल फिजिकल मेमोरी रैम। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं मेरे पीसी में 16 GB रैम लगी हुई है। तो ये दो चीजें आपको ध्यान में रखनी है। अब इसे आप क्लोज कर सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर आपको सीपीयू का कोर सिलेक्ट करना है। तो अगर आपके पीसी में 4 कोर है तो आपको 2 कोर सिलेक्ट करना है एंड अगर आपके पीसी में 2 कोर है तो यहाँ पर आपको 1 ही कोर सिलेक्ट करना है। मेरे पीसी में 6 कोर है तो मैं यहाँ पर 4 कोर सिलेक्ट कर लेता हूँ। मतलब जितने कोर आपके सीपीयू में है उससे थोड़ा सा कम आपको सिलेक्ट करना है जिससे आपके बैकग्राउंड में जो भी प्रोग्राम्स रन होंगे वो क्रेश नहीं होंगे। उसके बाद बारी आती है मेमोरी की। तो यहाँ पर भी आपको इस एमुलेटर को अपनी आधी रैम देनी है। जैसे मेरे पीसी में 16 GB रैम है तो यहाँ पर मैं 8 GB सिलेक्ट कर सकता हूँ। अगर आपके पीसी में 8 GB रैम है तो यहाँ पर आपको 4 GB देनी है एंड अगर आपके पास 4 GB रैम है तो आपको 2 GB ही देनी है। परफॉर्मेंस मोड आपको हाई परफॉर्मेंस रखना है। उसके बाद एक इम्पोर्टेंट सेटिंग आती है फ्रेम रेट। गाइज अगर आप यूट्यूब पर वीडियोस बनाते हैं, गेम प्ले रिकॉर्ड करते हैं तो उस कंडीशन में आपको हाई फ्रेम रेट रखनी है। यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा इनेबल हाई फ्रेम रेट, इसे आपको इनेबल करना है एंड इसे आपको 240 कर देना है। अगर आप नॉर्मल ऐसे गेमिंग करते हैं तो 60 FPS भी बहुत है। ये सब सेटिंग्स करने के बाद आपको सेव चेंजेस पर क्लिक करना है, रीस्टार्ट नाउ पर क्लिक करना है। सो गाइस, ये थी कुछ सेटिंग्स जिन्हें अप्लाई करके आप ब्लूस्टैक्स एमुलेटर की परफॉर्मेंस को इंक्रीज कर सकते हैं एंड इस तरह से आप अपने लैपटॉप या पीसी पर ब्लूस्टैक्स एमुलेटर को इंस्टॉल कर सकते हैं एंड एंड्रॉइड एप्स एंड गेम्स को अपने पीसी पर रन कर सकते हैं। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना और इसी तरह के वीडियोज अगर आप और देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।